फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ये वो क्लिप है जिसके अंदर अपन बनाएंगे, ये वो क्लिप देख लो। और यहाँ पर देखो गाइस मार रहा है, ठीक है, मारने से पहले ये बैठ रहा है, कुछ कैरेक्टर मेन कैरेक्टर बैठ रहा है और अभी बैठ के मार रहा है, ठीक है। तो बैठना जहाँ से स्टार्ट करता है उससे पहले अपन स्प्लिट करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ भागता हुआ जो है एक हिस्सा अपन पूरा स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टोटल बराबर भाग रहा है और इससे जस्ट आगे बैठने वाला है, तो यहाँ मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो ये देख लो यहाँ पर जो है कैरेक्टर भाग रहा है। तो अभी अपन जो है इसके बीच में आपको लगानी है मीम कि ये कौन है, ठीक है। ऐसा बोलता हुआ मीम है, उसकी जगह आप कोई और भी लगा सकते हो, वैसे मैंने दे दी है, आप लगा सकते हो ये क्या है वो क्या है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी मीम लगा सकते हो। तो ये कैरेक्टर है, इसकी मैंने मीम थोड़ी सी कट वट कर ली आगे से, टीम टू लेफ्ट टीम टू राइट, ताकि बराबर बोले ये कौन है, ठीक है। तो सिर्फ उतना हिस्सा रखा ये कौन है। इसके अलावा गाइस में कुछ ऑडियो भी है, बहुत सारे ऑडियो जो कि मैं इस क्लिप में इस टोटल इस शॉर्ट को बनाने में लेने वाला हूँ। तो ये देखो ये अपने एडिट कर दिया गाइस, इतना था हिस्सा इसका। और इसके बाद गाइस यहाँ पर जो है ये कहाँ पर मार रहा है, ठीक है, देखो कहाँ पर इसने शॉर्ट इसके सर पर मारा है, वो हिस्सा भी स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इससे जस्ट थोड़ा आगे का हिस्सा स्प्लिट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर इसके अंदर अपन वो ऑडियो डालेंगे, तो इसलिए मैंने जो है स्प्लिट किया है, ठीक है। कर लेने के बाद गाइस बाद में क्या करना है कि इसके जो है ये कौन है, इसके आगे जस्ट ये क्लिप है जहाँ पर वो पीछे वाला कैरेक्टर पीछे देखता हुआ अच्छे से दिख रहा है, वहाँ पर आपको फ्रीज करना है, ठीक है। फ्रीज करने के बाद जो ये इमेज है इसको अपने को जूम करना है। पहले मैं इसे छोटी कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो नहीं चाहिए, 1.5 या 2 सेकेंड की ले लेता हूँ। और जूम करके जो है इस कैरेक्टर को दिखाना है अपने को, इस कैरेक्टर की मतलब एक तरीके से फनी और बेवकूफ़ टाइप दिखाना है कि ये क्या कर रहा है पीछे, मतलब मेन कैरेक्टर मारने आ गया और ये अभी तक सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सो वो मुझे यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ऑडियो भी डालूंगा मैं अभी कि ए फनी थिंकिंग का एक ऑडियो है जो मैंने क्रोम से किया है वो, और एक स्टार्टिंग में रनिंग ऑडियो है वो मैं लगा लेता हूँ। सो सबसे पहले रनिंग ऑडियो है वो देखो यहाँ पर भागते हुए, एक्चुअली क्लिप में साउंड नहीं है तो मैं यहाँ पर वो ऑडियो ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये ले लिया। इसके बाद गाइस अपन जो है अब थिंकिंग वाला ऑडियो वो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फनी थिंकिंग ऑडियो है ये, मैंने आपको सब दे दिया है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। सो ये देखो यहाँ पर इस ऑडियो को मैं अच्छे से कितना जितनी आपकी क्लिप है उतना ही ऑडियो लगाएंगे। तो ये रहा एकदम बराबर एग्जैक्ट लग चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ, बचाओ ऐसा डिलीट। अब यहाँ पर ये सोच रहा है, ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गाइस जहाँ पर ये हथौड़ा मतलब जो ये क्या है बर्तन इसके सर पर पड़ेगा वहाँ पर एक टक का साउंड मतलब हिटिंग साउंड अपने को लगाना है। सो मैंने स्पिल्ड कर दिया था कि मुझे यही लगाना हो आसानी से पता चला है। और ये देखो गाइस टक का मतलब हिटिंग साउंड है ये। तो ये भी थोड़ा सा तेज कर देता हूँ ताकि जैसे ही मारेगा सर पे तो एकदम क्लियर सुनाई देगा। अब ये मारने के बाद गाइस इसके आगे हाँ एक मीम लगानी है, हाँ हाँ आपको पता ही होगा मीम, सो वो लगानी है इस पर। जैसे मारता तो शायद ये कन्फ्यूज हो जाए, ये दिखाने के लिए अपने को मीम लगानी है। उससे पहले एक बार ये गिरते हुए का जो हिस्सा है ना वो मैंने स्पिल्ड कर दिया है गाइज, इतना ये गिरा है, ठीक है, इतने से हिस्से में ये गिरा है क्योंकि इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो मैं यहाँ पर आए वाली वो मीम जो कि मैंने आपको बोली वो लगा लेता हूँ। थोड़ा सा ये क्लिप बड़ी है गाइज आए वाली, तो मैं इसे एडिट करके या टीम टू लेफ्ट राइट करके आए आए सुनाई दे बस इतना ही रखूँगा। और इसके बाद गाइज जो क्लिप अपन ने स्पिल्ड की थी गिरते हुए, ये देखो ये क्लिप में गिर रहा है, इसको डुप्लीकेट करो और एक एंड में वापस लगाओ, ठीक है। डुप्लीकेट करता हूँ और एंड में जो है मैं वापस लगा लेता हूँ। अभी गाइज इसी के अंदर जो है अपने को सैड सॉन्ग और वो फनी हंसते हुए ऑडियो लगाना है, पर क्लिप छोटी है तो मैं इसकी स्पीड जो है कम करके बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, बड़ी कर देता हूँ। अब देखो 0.1 की कर दी है मैंने, जैसे कि 2.3 सेकेंड की हो गई है। 2.3 सेकेंड में अपना आराम से सैड सॉन्ग भी लग जाएगा और फनी ऑडियो भी लगाना है तो वो भी लग जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फनी लाफिंग ऑडियो जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। सो फनी लाफिंग ऑडियो है यहाँ पर, ये मैं अच्छे से एडिट करके लगा लेता हूँ फनी लाफिंग ऑडियो। और फनी लाफिंग ऑडियो के बाद गाइज अपन लगाएंगे एक सैड सॉन्ग, ठीक है, वो जो ज़्यादा चल रहा है वो जॉन सिना वाला जो वो लगाऊंगा, ठीक है। सो फनी लाफिंग वाला लगाने के बाद मैं वो वाला ले लेता हूँ, सब मैंने आपको जो है दे दिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो वो वाला भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पर फटाफट से लगा लेता हूँ, थोड़ा सा आगे से अपन इसे लगाएंगे। और ये लगाने के बाद गाइज इसका ना थोड़ा सा मैं काम करते हैं, अपन क्लिप का जो है सैचुरेशन जीरो कर देता हूँ, ठीक है। जो गिरता हुआ दिखाएंगे ना मतलब जहाँ पर सैड सॉन्ग चल रहा है वो क्लिप को सैचुरेशन जीरो करता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है आजकल सैड सॉन्ग में। और मतलब फ़नी टाइप में बनाते हैं तो यही चलता है, ठीक है, सैचुरेशन जीरो होती है, एकदम से कलर ब्लैक हो जाता है तो मस्त लगता है। यहाँ पर एक मैं कॉमेडी सॉन्ग भी ले लेता हूँ, ठीक है गाइस, स्टार्टिंग में तो कॉमेडी सॉन्ग भी अपन ले लेंगे।
उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लिप कैसी चल रही है अपनी। सो एक काम करता हूँ, इसको मैं आगे ले आता हूँ गाइज, ये कौन है इसको थोड़ा पीछे ले आता हूँ। आगे लाने के बाद जो साउंड एडिट वेडिट करने हैं वो भी थोड़े मतलब हिल गए हैं, तो वो भी मैं सही कर देता हूँ। थोड़ी सी क्लिप ना गाइज छोटी है, ठीक है, मतलब ये जो सोचने वाली क्लिप है जिसमें ये कैरेक्टर सोच रहा है ये थोड़ी सी छोटी है। एक काम करता हूँ, इसे थोड़ी सी ना बड़ी कर देता हूँ, 1.5 सेकंड की कर देता हूँ कुछ जो है। ऐसा करने से क्या है गाइज, कुछ लास्ट के जो साउंड है वो हिल गए हैं, तो मैंने सही कर दिया है, ठीक है, आप सही जरूर कर लेना अगर आपने कुछ बाद में वापस सही किया है तो। सो अभी देखो यहाँ पर क्लिप कुछ ऐसी लग रही है ये, हाँ ये ठोकने वाला साउंड भी सही कर देता हूँ, हाँ बराबर आ गया है। और इसके बाद गाइज ये एकदम लगभग अच्छा लग रहा है, और कुछ साउंड बाकी है। एक काम करता हूँ स्टार्टिंग में से जाके ना मैं, हाँ ये भी साउंड ठीक है, और स्टार्टिंग में से एक वो कैरिमिनाटी का एक साउंड है गाइज ले ले मेरा करके, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके अलावा स्टार्टिंग में कॉमेडी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लेता हूँ, ये जो है साइड में बजेगा, और ये हाय तक ही रखेंगे अपन, मतलब वो जो हाय वाली मीम है वहीं तक मैं रखूँगा, उससे ज़्यादा तो उसके बाद से जो है जस्ट सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, फ़नी मीम और वो सैड चल रहा है, तो इसलिए मैं वहीं तक रखूँगा। अभी देखो यहाँ पर बराबर कैसा चल रहा है, प्रीव्यू देखते हैं। सो मीम आ रहा है, साउंड बराबर है, यहाँ पर कैरेक्टर सोच रहा है ये कौन है, और ठीक है यहाँ पर जो है गाइस कैरेक्टर सोच रहा है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं क्वेश्चन मार्क वाला मैं जो है टेक्स्ट लगा लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला टेक्स्ट लगा लेता हूँ, और उसमें एनिमेशन दे दूँगा थोड़ा सा, वो पॉपिंग करेगा वैसा, वो ऐसा कोई कॉम्बो एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक है, और स्लो ही नहीं रखना, फास्ट रखेंगे, और साइड में लगा लेता हूँ, और विजिबल अच्छे से हो इसलिए मैं क्या करता हूँ शेडो ऑन कर देता हूँ टेक्स्ट की स्टाइल के अंदर जाके। सो शेडो ऑन करने के बाद ये देख लो विजिबल है, और हिल भी रहा है जो अच्छे से दिखेगा। अब देखो वापस स्टार्टिंग से कैरेक्टर दौड़ रहा है, रनिंग साउंड आ रहा है, मीम आ गई है, और मीम के बाद ये इसको मारा साउंड आ गया, और यहाँ पर सैड सॉन्ग और फनी सॉन्ग चल रहा है, तो एकदम बराबर है, सॉन्ग आपकी रेडी है और शॉट बन चुकी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।